नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए हैं जो लोक सेवा आयोग द्वारा जो परीक्षा कराई गई थी एलटी ग्रेड की, उसमें सेकंड जो लिस्ट आई है या कह सकते हैं कि जो वेटिंग लिस्ट आई है उसमें जो भी चयनित हैं तो उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का क्या प्रोसीजर है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उस पर विस्तृत डिटेल में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये मेरा आवेदन पत्र है जो मैंने उस समय जब मेरा चयन हुआ था और मैं जब वेरिफिकेशन के लिए गया था तो ऐसे ही 4-5 डॉक्यूमेंट आपके साइट से आप फिल करके डाउनलोड करेंगे। अब इसका प्रोसीजर क्या है सबसे पहले हम समझ लेते हैं। जैसे ही अभी कल 6 तारीख है तो 6 तारीख को साइट पर पूरा नोटिफिकेशन, पूरा डिटेल्ड सारा कुछ आ जाएगा, लिंक आ जाएगी। अब जो लिंक आएगी इसी साइट पर आएगी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो साइट है UPPSC, आप सिंपल UPPSC टाइप करिएगा। जब आप UPPSC टाइप करेंगे तो उसमें एक लिंक होगी उन सारे कैंडिडेट्स के लिए जो सिलेक्टेड हैं, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। तो जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे उसमें कुछ पर्टिकुलर्स आपको भरने होंगे। उसको लॉगिन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, DOB, ये सारी चीज़ें उसमें भरनी होंगी। तो जो लिंक आएगी जब आप उसमें लॉगिन करेंगे उसके बाद OTP आपके पास आएगा। OTP के बाद जब जैसे ही आप OTP फिल करेंगे और OTP उसी नंबर पे आएगा जो नंबर आपका रजिस्टर्ड है। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने कैफ़े से फिल कराया है, कैफ़े वाले ने अपना नंबर डाल दिया, अपनी आईडी डाल दी, तो वो उनके पे मेल आएगा। तो इसलिए बेटर ये है कि आप उससे पहले तैयारी कर लें। तैयारी करने के लिए आपको क्या चाहिए है कि आप जो है मेल कर सकते हैं, ठीक है, मेल कर दीजिए। उसके बाद क्या है कि आप उसमें लॉगिन करेंगे, लॉगिन के बाद आपका फॉर्म खुल के आ जाएगा। अब उसमें आपको फिल करनी सारी चीज़ें, जैसे कि ये इस तरीके से खुलेगा, उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर आपका आ ही जाएगा। फिर आपको ये पर्टिकुलर टाइप करने हैं, मतलब आपका नाम टाइप करना है कैपिटल लेटर में और हिंदी में भी, ये सारी चीज़ें। फिर आपको एड्रेस अपना टाइप करना है, जहाँ पर जो भी पर्टिकुलर्स, जैसे कि हम फॉर्म फिल करते हैं वैसे ही ये फॉर्म के तरीके से खुलेगा। सारी चीज़ें हमें जो जो वो मांगेंगे वो सारी चीज़ें हमें फिल करते जाना है। ये सारे पर्टिकुलर्स ये आपके मांगे जाएंगे। फिर इस तरीके से आपके पिता का जन्म स्थान और ये सारी चीज़ें, सिटीजन, तो ये सब आप फिल करेंगे। फिल करने के बाद इधर ये पर्टिकुलर्स जो भी हैं, जैसे कि हम जो फॉर्म फिल करते हैं, फिर उसमें पत्र व्यवहार का पता और स्थाई पता, ये सारी चीज़ें फिल करेंगे आप। और जैसा कि एक लोक सेवा आयोग का एक फॉर्म का पैटर्न होता है, उसमें ये सारी चीज़ें आपको करनी होंगी। फिर आपको अपने मार्क्स फिल करने हैं कि आपने हायर सेकेंडरी, हाई स्कूल कब किया, कहाँ से किया, उसमें कितने प्राप्तांक पूर्णांक हैं, परसेंटेज कितना, सब्जेक्ट कितने हैं, प्रमाण पत्र की संख्या। ये तुम्हें हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और BEd, इतना तो चाहिए ही चाहिए। अगर आपका स्नातकोत्तर है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो इसको भी आप तैयार रखिए। ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। अब जैसे समस्या, जैसे मान लो किसी का BEd है, तो BEd में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि अब तो सेमेस्टर वाइज है तो हर सेमेस्टर के अलग अलग सब्जेक्ट, तो उसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, जैसा कि मैंने छोड़ा है, ठीक है। फिर ये नीचे के पर्टिकुलर्स, ये आपको इसमें हाँ या ना करना होगा। मोबाइल नंबर आपको भरने होंगे, ईमेल आईडी आपको फिल करनी होगी, और फिर उसके बाद ये आपका फॉर्म जब आप फिल करेंगे तो उसमें जैसे और भी हम आगे बढ़ते, फिर हम इसको फाइनल में ज़रा बताएंगे। फिर उसके बाद ये तो था आपका एप्लीकेशन नंबर, फॉर्म जो नया जनरेट होगा, एक तो आवेदन आपने किया था उस समय, एक ये नया आवेदन जनरेट होगा। फिर जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा प्रयागराज का ये एक अटेस्टेशन फॉर्म आपका डाउनलोड हो जाएगा, उसमें भी सारे पर्टिकुलर्स आपके फिल करने होंगे। मतलब जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी, उसको आप फिल करते जाइए। तो ये भी डिटेल्स, जैसे यहाँ पे
आपका थाना, सारी चीज़ें जो भी हैं ये सब आप फिल करेंगे। फिर जैसे ये स्कूल का नाम पूरे पते के साथ, कब आपने प्रवेश लिया, कब छोड़ा और कौन सी डिग्री, जैसे हाई स्कूल में कब एडमिशन लिया, कब आप छोड़े, इंटरमीडिएट में कब एडमिशन लिया, कब आपका हो कंप्लीट हुआ, ऐसे ग्रेजुएशन, जो भी आपकी डिग्री हैं सारी, तो इस तरीके से आप करेंगे। फिर ये आप इंफॉर्मेशन देंगे, तो ये जैसे एक है इंडेक्स कार्ड, अभी सबसे पहले हमने एप्लीकेशन फॉर्म दिखाया जो था 3 पेज में, फिर हमने आपको अटेस्टेशन फॉर्म दिखाया जो था 2 पेज में, ये है इंडेक्स कार्ड। अब इंडेक्स कार्ड को हम देख लेंगे। इंडेक्स कार्ड जैसे ये सारी चीज़ें इसमें आपका वही पर्टिकुलर्स जो भी हैं, फिर ये जैसे विषय जो परीक्षा में लिए हों, सारे सब्जेक्ट्स जो भी आपने किए, जैसे कि मैंने बीएड में फिल नहीं किए थे तो बीएड में मेरा कोई सब्जेक्ट भी नहीं आया यहाँ पे। अगर चाहो तो आप इसमें टीचिंग सब्जेक्ट आप 2 जो आपके होते हैं वो डाल सकते हैं। फिर इसके बाद ये इंडेक्स कार्ड आपका हो जाएगा। फिर ये है अंक तालिका विवरण, मतलब अंक तालिका जो मार्कशीट आपकी जो आपने फिल करी है जो, वो अलग से डाउनलोड आपकी हो जाएगी। तो इतने डॉक्यूमेंट्स ये हैं आपको ले जाने होंगे। ये मतलब 4 डॉक्यूमेंट्स आपके साइट से जब आप फिल करेंगे वो डाउनलोड होंगे। फिर यहाँ पे एक और चीज़ ले जानी होती है, उसको मैं दिखा दूँ आपको। एक सादे पेपर पे एक ब्लैंक पेज होगा, उस पे 2 फ़ोटो आपको पेस्ट करनी है और वो दोनों फ़ोटो किसी गजटेड ऑफिसर से साइंड होनी चाहिए, अटेस्टेड होनी चाहिए। तो जैसे कि मैंने ये कराई थी, और उसमें आप पूरा डिटेल लिखेंगे, नेम, फादर्स नेम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, एड्रेस, मोबाइल नंबर। तो ये आपको करना है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में ले जाना। अब जब आप फॉर्म ये फिल कर लेंगे लोक सेवा आयोग की साइट पे अपना रजिस्ट्रेशन रोल नंबर डाल के जो खुलेगा, तो उसमें फिर 4 PDF के आपको ऑप्शन मिलेंगे डाउनलोड करने के। पहला जो ऑप्शन होगा उसमें ये होगा फॉर्म आपका आवेदन पत्र। अब ये आवेदन पत्र आपका होगा 3 पेज में, ठीक, 2, 3, ये 3 पेज में आपका निकलेगा। अब यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे संलग्नकों की संख्या लिखा है, इसको फिल करना है। अब संलग्नकों की संख्या क्या होंगी कि आप इसके साथ कितनी चीज़ें लगा रहे हो फॉर्म के साथ, तो सब पे पेज नंबर डाल दीजिएगा। अब संलग्नक आपके क्या होंगे, हाई स्कूल मार्कशीट सर्टिफिकेट, अगर अलग अलग हैं तो 2 हो गए, एक में ही अगर मार्कशीट में ही सर्टिफिकेट है तो 1 हो गया, ऐसे ही इंटर की मार्कशीट सर्टिफिकेट 2 वो हो गए 4, ऐसे ही सब में की मार्कशीट सर्टिफिकेट, तो जो भी आपके बनते हैं वो सब संलग्नक आपके हो जाएंगे। तो वो उनकी संख्या यहाँ पे आपको लिखनी है, जो भी हैं 16 हों, जैसे मेरे तो शायद 16 हुए थे, फिर शब्दों में लिख देने हैं 16 या 16 जैसे आप लिखना चाहो, ठीक। विवरण, विवरण में आप चाहो तो सबका डाल सकते हो यहाँ पर कि कौन कौन से आपने लगाए हैं, ठीक है। जैसे कि विवरण में वही रहेगा, पहला क्या है, पहली मार्कशीट हाई स्कूल की, दूसरी क्या है, दूसरी आपकी मतलब सर्टिफिकेट, अगर लगाया सर्टिफिकेट तो जो भी सीरियल वाइज आपने लगाए हैं वो सारे यहाँ पे क्रम डाल के जैसे हम लिख देंगे, 1 हाई स्कूल अंक पत्र, 2 हाई स्कूल प्रमाण पत्र, 3 इंटरमीडिएट अंक पत्र, 4 इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र, 5 में ग्रेजुएशन की 3 साल की मार्कशीट ले जाइएगा, बेटर यही रहेगा। तो ऐसे करके आप डाल सकते हो स्नातक प्रथम वर्ष मार्कशीट, स्नातक द्वितीय वर्ष मार्कशीट, स्नातक तृतीय वर्ष, तो ऐसे करके आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आप कर लीजिए। तो ये फॉर्म आपका होगा। फॉर्म के बाद जो दूसरा चीज़ जो आप डाउनलोड करेंगे फॉर्म फिल करने के बाद, जब आपका फाइनली सबमिट हो जाएगा, तो वो आपका अटेस्टेशन फॉर्म डाउनलोड होगा। ये अटेस्टेशन फॉर्म है, तो ये आपका डाउनलोड, ये 2 पेज में होता है, तो ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। फिर इसके बाद तीसरा जो डाउनलोड करेंगे, तीसरा लिंक होगा, वो इंडेक्स कार्ड का होगा, तो इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। चौथा जो होगा पेज, चौथा जो PDF का ऑप्शन होगा वो मार्कशीट,
अब जैसे करना क्या है, ये है चारों चीज़ें अलग अलग यहाँ पे, लेकिन जब हम फॉर्म फिल करेंगे, एक चीज़ और मैं बता दूँ, तो उसमें लिंक डाल के हम फॉर्म फिल करेंगे तो वो फॉर्म एक ही बार में सारा भर जाएगा, जो भी इंफॉर्मेशन मांगते जाएंगे उसको हम नेक्स्ट नेक्स्ट करके भर देंगे। फाइनली वो सबमिट करने को मांगेगा, एक बार चेक करेगा, रिव्यू कर लीजिए आपने सारे पर्टिकुलर सही भरे हैं कि नहीं, रिव्यू करने के बाद वो फाइनल कहेगा, फाइनल सबमिट, फाइनल जब सबमिट हो जाएगा उसके बाद मतलब फॉर लिंक एक पे एक, जैसे ये चार हमने जो आपको दिखाए हैं तो चारों अलग अलग नहीं फिल करने हैं, होगा एक ही फॉर्म फिल होगा, लेकिन जब फाइनली सबमिट हो जाएगा, सबमिट होने के बाद चार लिंक आएंगे आपके पास, या कह सकते हैं चार ये पीडीएफ आपको डाउनलोड करने को वो बोलेंगे, तो ये चारों पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा, इसका प्रिंटआउट निकलवा लीजिएगा। इसके साथ साथ आप जो भी मार्कशीट आपकी है, मार्कशीट सर्टिफिकेट या ओबीसी सर्टिफिकेट डोमिसाइल, जो भी आप लगा रहे हो, जो भी लगेगा वो सारा कुछ आप लगाइएगा साथ में, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेकर जाइए। तो ये आपको करना है, और इसके साथ साथ शायद आपका मेडिकल फिटनेस भी मांगते हैं, लेकिन मेडिकल फिटनेस वगैरह वो ज्वाइनिंग के टाइम मांगेंगे, तो अभी मत कराइए, वो ज्वाइनिंग के टाइम लगेगा आपका, अभी नहीं लगेगा। बाकी कल का वेट करिए, कल डिटेल में सारा कुछ आ जाएगा, उस पर कल डिटेल में हम कैसे करना है वो समझा देंगे। तो ये चीज़ें हैं जो आपको करनी है, और ये अलग से फ़ोटो दो लगेंगी आपको, इनको अटेस्टेड कहीं से भी आप अटेस्ट करा लीजिए, गजटेड ऑफिसर होना चाहिए वो। और कुछ जानकारी चाहिए आप पूछ सकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।